वही सही रहेगी कि दोनों पक्ष की बातों को अच्छे से समझा पाए, ताकि अनुभव के साथ साथ हमें कुछ लेकर भी यहाँ से जाने को मिले। अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया के दिग्गजों को बुलाकर पुरस्कृत किया था। यहाँ पर सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर किसी अच्छे फूड ब्लॉगर को भी बुलाया गया था, कोई अच्छा जो अपने देश के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहा है उसको भी बुलाया गया था, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। ज्ञानेश्वर जी, आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं, आपने डॉक्टर्स के लेकर नया एपिसोड शुरू किया, आपने बिहार के धरोहर को लेकर नया एपिसोड शुरू किया जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा व्यूज गया, लोगों तक पहुँचा। सवाल ये है कि क्या बहुत कम दायरे में बांध देना, सिर्फ जल्दी से ये कह देना कि नहीं नहीं सिर्फ खराब ही चीज़ सोशल मीडिया पर है, तो क्या ये कुछ कितना सही है, क्या जस्टिस है क्या सोशल मीडिया के साथ? क्योंकि सोशल मीडिया के चलते हमने कई नई चीज़ों को सीखा है, सोशल मीडिया ने कई ऐसे खबरों को लाकर सामने दिया है जहां मेनस्ट्रीम मीडिया उसके कम से कम 10 दिन के बाद पहुंची है। सोशल मीडिया ने हमें कई लोगों से जल्दी मिलवाया है, उनको पहचान कराया है। पॉडकास्ट तो मेनस्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े लेंथ वीडियोस में आ ही नहीं सकता है, हमने कई लोगों से कई उनके बिजनेस स्किल्स को सीखा है, पत्रकारिता से इतर भी। तो आपका ज्ञानेश्वर सर क्या अनुभव है अब तक जो आपने सीखा देखा? देखिए प्रशांत भाई, प्रबोध जी ने कहा कि सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा एंटी सोशल, ने कहा कि सत्य की तलाश में 54% लोग सोशल मीडिया पर। यह बड़ा सवाल है कि सत्य की तलाश में 54% लोगों को सोशल मीडिया पर क्यों आना पड़ा? क्या हुआ प्रिंट मीडिया का, क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? ये सारे लोग आजकल सोशल मीडिया वाले को नसीहत देते कि ये तो ऐसे बिक रहे, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे पैसा कमाने के लिए उद्यम कर रहे हैं, और ये अखबार वाले नसीहत देते हैं जो पुरस्कार बांटते हैं पैसे लेकर और मंत्रियों से नवाजा जाता है, समझे? और ये टीवी वाले जो स्पॉन्सर प्रोग्राम चलाते हैं वो आजकल नसीहत दे रहे हैं। तो देखिए, जो सत्य है सत्य की तलाश में, देखिए करेक्शन करना, यदि आप होशियार हैं, मैंने पहले ही कहा था आपको चेहरों को पहचान। देखिए सुशील जी बैठे हैं, समाज में क्या सोशल और एंटी सोशल लोग नहीं है, समाज में क्या अच्छे और बुरे लोग नहीं है, तो आपको पहचानना होगा आदमी कौन बोल रहा है। और देखिए टू वे जो कम्युनिकेशन की बात आपने कही, टू वे कम्युनिकेशन जब है तो आपकी पहरेदारी भी है। देखिए मैं, मेरे पोस्ट पर हजारों हजार कमेंट आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबको पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम को जरूर कहता हूँ, समरीन बैठी हैं यहाँ, दीपक बैठे हैं, कि आप कमेंट्स को देखिए, और जो कमेंट्स पे बातें आ रही हैं, आपत्तियाँ आ रही हैं, आप उन बातों को भूल जाइए, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, लेकिन सत्य को लेकर और आगे के सवाल को लेकर जो बातें आ रही हैं उसे नोट कीजिए। और जो कौसलिन जी ने कहा कि इसके अलावा अखबारों में है क्या? भाई मोकामा में उपचुनाव होगा, 4 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हुए, अगले कुमार से मिले, तो नीतीश कुमार से उन्होंने कहा कि देखिए दो बातें कि 5 स्टार तो इतना अब लोग इंतजार करने के मूड में नहीं है, ठीक है। मैं दिल्ली के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, प्रशांत जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के पहले 1200 फ्लैट है, 1700 अखबार दरभंगा का ही एक हॉकर है वह दिया करता है, और आज वहाँ स्थिति है 157 अखबार जाता है, उसमें भी 66 अखबार है जो हिंदू अखबार है, जो IAS की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, 15 रुपया। तो सत्य की तलाश सरकारों के बिना ये नसीहत देंगे सोशल मीडिया वालों को? सरकार का विज्ञापन न मिले तो क्या हम माली से लेकर संपादक तक हाजिरी लगाते हैं और नसीहत देंगे दूसरों को? तो यदि सोशल मीडिया न हो तो सच का आईना आम लोग नहीं देख पाएंगे, यह सच है। हाँ देखिए, मैंने कहा बचपना है, लड़कपन है, और इस लड़कपन को सोसाइटी सुधारेगा, और जो नहीं सुधरेंगे वो मिट जाएंगे, और कैसे लोग मिट रहे हैं आप भी देख रहे हैं, कि जो सत्य से दूर भागे और जो बनावटी खबरें बनाते रहे वो चले गए ना, वो चले गए ना, कहाँ चले गए, ये आप ही देख रहे हैं। तो सत्य को साथ रखकर और जो आपका ऑडियंस है उसके साथ धोखा नहीं हो, लेकिन फिर हम कह रहे हैं यह जिम्मेदारी है मीडिया की कि समाज में सद्भाव रहे, और समाज में आप किसी हिंसा को न भड़काएं, आप किसी अशांति को न भड़काएं। और देखिए सोशल मीडिया ने एक नया आयाम पैदा किया, जो आपने कहा प्रधानमंत्री ने कई लोगों से मुलाकात की, उसमें फूड ब्लॉगर